Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। कार्यकर्ताओं का सम्मान और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का लोगो है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, तो सबका विकास हमारा लोगो होगा कि सबका जो है संगठन का विकास, संगठन ठीक ठाक सुचारू रूप से चले। पिछला कुछ ऐसा काम जो आपने सोचा हो, जो आपको लगा हो, क्योंकि आप मोदी जी के चुनाव एजेंट भी रह चुके हैं, इलेक्शन एजेंट थे, आपने उनके प्रमाण पत्र भी लिया था और उन तक जाकर आपने पहुंचाया भी था, ऐसे में आपकी कोई ऐसी प्राथमिकता जो आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं? संगठन जो दुरुस्त हो, क्योंकि इसमें संगठन को ही मजबूत करने के लिए हमें महानगर का अध्यक्ष का दायित्व तो संगठन ने हमको दिया है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि संगठन जो है सर्वसम्मत से हर काम जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा के अनुरूप हम खड़े उतरे और संगठन को लेकर के उस हिसाब से चले। बात करें राजनीति में कब से आए, थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे कि मैं लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का बूथ अध्यक्ष मैं 90 में हुआ और बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति जिले में, फिर क्षेत्र के उपाध्यक्ष, इसके बाद जो है मैं लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता 90 में लिया था, तब से लगातार कार्य कर रहा हूँ। कोई ऐसी दिलचस्प घटना राजनीति में जो इतना लंबा करियर रहा है 30 साल का, कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन माननीय हरीश जी के साथ, हरिचंद श्रीवास्तव जी जो वित्त मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के 97 से 2002 की सरकार में, उनके जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला, उसकी देन है कि लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर काम को अपना काम समझ करके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको समझते हम करते रहते हैं। बात करें पढ़ाई, आपकी एजुकेशन की तरफ जाते हैं थोड़ा, कि कहाँ से आपने पढ़ाई की पूरी कंप्लीट? और मैं स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करके BA भी किया, LLB भी किया हूँ और BED भी किया हूँ। कहाँ से? LLB और BED तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है, ग्रेजुएशन हमारा जो है इलाहाबाद से हुआ है। एक अहम सा सवाल, विकास का नारा 2014 के पहले से ही जनता को सुनने को मिल रहा है, लेकिन विकास क्या लगता है कि उस ढंग से हो पा रहा है? नहीं, हो तो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आप बनारस शहर के अंदर की बात छोड़ दीजिए, तो बाहर के अगर देखिए तो हमारे रिंग रोड, बावतपुर एयरपोर्ट वाली सड़क देखिए, कार्गो, रामनगर में बंदरगाह, ये सब जो है हम लोग कभी सोच भी नहीं समझ सकते थे कि इस तरह का जो डेवलपमेंट हम लोगों के सामने हो पाएगा, जो हम सब लोगों के लिए एक अचंभा का काम कर रहे हैं। आप कार्गो की बात कर रहे हैं, लेकिन पेंसिबल कार्गो जिसके लिए बनाया गया, किसानों के लिए अभी तक वो चालू नहीं किया गया, किसान बहुत असंतोष है किसानों में। हाँ है, नहीं चालू किया गया, लेकिन कुछ समय तो लगता है ना, हर काम का जो है कुछ समय तो देना पड़ता है ना। अभी 2022 से पहले सब कुछ जो है चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, सड़क शहर का भी पूरा जो डेवलपमेंट होना था हमको लगता है कि 2022 से पहले हो जाएगा। ये कहा जाए कि फिर 2022 के चुनाव पे ही सारी चीजें टिक जाएंगी? नहीं, चुनाव तो नहीं, हमारा जो टाइम पीरियड है कि 5 साल के अंदर हम जरूर इसको जो है कम्प्लीट कर, तभी तो जनता के सामने जाएंगे।